हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वेब ऑफ सोशियोलॉजी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी वेस्ट बंगाल से जो पीएचडी एडमिशन 2022 से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट किया गया, उसके बारे में फुल डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो फिर चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। जैसे कि देख सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सभी को स्क्रॉल डाउन करना है। करने के बाद में ऑनलाइन एडमिशन 2022 का ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पे देख सकते हैं, एक नोटिस यहाँ पे अपडेट हो रहा है, आप सभी को इस नोटिस पे क्लिक कर देना है। करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। देन आप सभी के एडमिशन 2022-2023 का जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद में कुछ इस तरीके का लिस्ट ओपन हो जाएगा। देन स्क्रॉल डाउन कीजिए। देन आप सभी को यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ओके, करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं, एडमिशन नोटिस पब्लिश ऑन 19/09/2022 का ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे आप सभी को क्लिक कर देना है। करने के बाद में इसका जो PDF है ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी, ओके, यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगा गया है PhD प्रोग्राम के लिए डिफरेंट डिसिप्लिन्स में। ओके, नेक्स्ट मैं आप सभी को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। आपके पास रिलेवेंट सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, ओके, और मास्टर्स डिग्री में एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए अगर आप सभी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। अगर आप सभी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हो तो आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री में। ओके, इसके अलावा आपके पास UGC नेट या फिर UGC CSIR नेट GRF या फिर ICMR GRF या फिर ICAR GRF होना चाहिए। ओके, इनमें से कुछ भी अगर आपके पास में है तो आप सभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट चेकआउट कर लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं PhD प्रोग्राम फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स का सब्जेक्ट चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बंगाली, देन कॉमर्स, देन इंग्लिश, देन फोकलोर, देन हिंदी, देन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, देन फिलोसफी, देन रूरल डेवलपमेंट स्टडीज, देन विजुअल आर्ट्स, इन सभी सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज आई हुई है। नेक्स्ट फैकल्टी ऑफ साइंस का चेकआउट कर लेते हैं, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स, देन बॉटनी, देन केमिस्ट्री, देन इकोलॉजिकल स्टडीज, देन इन्वायरमेंटल साइंस, देन ज्योग्राफी, देन मैथमेटिक्स, देन माइक्रोबायोलॉजी, देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, देन फिजिक्स, देन फिजियोलॉजी, देन जूलॉजी। नेक्स्ट फैकल्टी ऑफ एजुकेशन का चेकआउट कर लेते हैं। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में एजुकेशन, देन फिजिकल एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन में वैकेंसीज आई हुई है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट्स ऑन 20/09/2022, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27/09/2022 अप टू 11:59 PM, यानी कि 20 सितंबर 2022 से लेकर 27 सितंबर 2022 तक आप सभी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके, बहुत ही शॉर्ट टाइम दिया गया, इसीलिए जितना जल्दी हो सके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा ऑनलाइन मोड में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, यानी कि एप्लीकेशन फी कितना लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फीस ₹600 फॉर जनरल कैटेगरी एंड OBC A एंड OBC B, यानी कि जनरल कैटेगरी एंड OBC A एंड OBC B कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹600 एप्लीकेशन फी रखा गया है, और 150 फॉर SC ST, यानी कि ₹150 एप्लीकेशन फी रखा गया है SC ST कैंडिडेट्स के लिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं टाइम फ्रेम फॉर PhD एडमिशन 2022। यहाँ पे देख सकते हैं और भी डिटेल्स में दिया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट्स ऑन 20/09/2022, ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज्ड ऑन 27/09/2022 अप टू 11:59 PM, जो कि मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता दिया है। नेक्स्ट डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स लिस्ट 29/09/2022, जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उन सभी का जो लिस्ट है वो अपडेट किया जाएगा 29 सितंबर 2022 को। ओके, नेक्स्ट हमें देख सकते हैं डेट ऑफ ऑफलाइन इंटरव्यू डिपार्टमेंट वाइज टू बी इन्फॉर्म लेटर, यानी कि जो इंटरव्यू का जो डेट है डिपार्टमेंट वाइज, जो कि ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाएगा, उसका जो डेट है वो बाद में अपडेट कर दिया जाएगा। ओके, और एक बात मैं आपसे बता देता हूँ, ये जो एडमिशन प्रोसीज्योर है
वो सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस में कंप्लीट कराया जाएगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस में ही आप सभी का सिलेक्शन किया जाएगा। आप सभी वीडियो पॉज करके अच्छी तरीके से फैकल्टी एंड सब्जेक्ट चेकआउट कर लीजिएगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप सभी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, तो फिलहाल इस नोटिफिकेशन वीडियो में बस इतना ही है। अगर फर्दर कोई भी न्यू नोटिफिकेशन अपडेट होती है इसके रिगार्डिंग तो मैं आप सभी को अवेयर कर दूंगा। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर कोई भी क्वायरी हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा। और इसी तरीके का हायर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन पे सेट कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियोस अगर अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।